अगर आप विराट कोहली की फैन हैं तो आपको ये खबर परेशान कर सकते हैं, दुखी कर सकते हैं, निराश कर सकते हैं, क्योंकि विराट कोहली बचे हुए 3 टेस्ट मैच खेलने नहीं आ रही है। हाँ, बहुत बुरी खबर है, क्योंकि बीते 13 सालों में ऐसा नहीं हुआ कि विराट कोहली किसी सीरीज में एक भी मैच नहीं खेला हो। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, कितना गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, क्या कहानी है, ये हम नहीं जानते। लेकिन विराट कोहली का ना होना इंडियन क्रिकेट फैन, वर्ल्ड की क्रिकेट फैन को निराश और दुखी करते हैं। दुखी इसलिए करेगा क्योंकि विश्व कप के बाद विराट कोहली ने सिर्फ 4 मैच खेले हैं, जबकि भारत ने 18 मैच खेले हैं। और हर कोई चाहता है कि विराट कोहली अब हर मैच खेले, क्योंकि उनकी उम्र हो चुका है और उनकी रिकॉर्ड आगे बढ़ते रहे, उन्हें हम खेलते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन कोई रीजन रहा होगा जिसकी वजह से विराट कोहली फिलहाल मैदान में नहीं है। पहले उनकी मॉम की कहानी आई, लेकिन वो फिट थे। उसके बाद डिविलियर्स वाला कहानी आया, वो भी फेक निकली। तीसरी कहानी जो निकल के आई वो हेल्थ को लेकर। सो ओवरऑल फिलहाल कोई कहानी क्लियर नहीं है। वेल, ज्यादातर लोगों का कहना यह है कि विराट कोहली को अपना हाल पर छोड़ देना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि विराट कोहली ने ब्रेक ली है। क्यों लिया है, कैसे लिया है, किसके लिए लिया है, वो फिलहाल क्लियर नहीं है। और इस बारे में कोई चर्चा नहीं कर रही है और करने भी नहीं चाहिए। अब क्या ही चर्चा करोगी, क्या चाहती हो कि विराट की तरफ से खुद पता चले? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है कि पिछले 13 साल से विराट कोहली ने कोई सीरीज नहीं छोड़ी थी, लेकिन पिछले कुछ सीरीजों में विराट कोहली को नहीं देखा गया। या तो बीसीसीआई ने उनको टीम में सिलेक्ट नहीं किया, या फिर कुछ और वजह हो सकते हैं। क्या विराट कोहली बीसीसीआई से रूठे हुई है? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। कुछ अनबन हो गए क्या विराट कोहली और बीसीसीआई के बीच, जैसे ईशान किशन के साथ हुआ? क्योंकि काफी दिनों से हमें यह नजर आ रहा है कि इंडिया सीरीज लगातार खेल रही है, लेकिन विराट कोहली लगातार बाहर बैठी है, और वो फॉर्म में भी है लेकिन उनको नहीं लिया जाता। क्या इसकी वजह से विराट कोहली रूठी हुई है? विराट कोहली एक बहुत बड़ा नाम है विश्व क्रिकेट का इस समय, और विराट कोहली अगर मैदान पर रहता है तो हर फैन खुश रहता है। अगर विराट कोहली को दूर करता है बीसीसीआई, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो सकता है भारतीय क्रिकेट के लिए। शायद ऐसा कुछ हुआ होगा जो विराट कोहली शेयर नहीं कर पा रहा है, और लोग कह रही है उनकी फैमिली का अगर पर्सनल मैटर है तो उसे पर्सनल ही रहने दीजिए। हालांकि इंग्लैंड की टीम बहुत खुश है, वो बल्ले बल्ले कर रही है, क्योंकि विराट कोहली जैसा बल्लेबाज नहीं है यहाँ पर, मोहम्मद शमी जैसा गेंदबाज नहीं है। इंग्लैंड को ये आसान हो रही है, मैच खेलना, मैच जीतना, और इंडिया को हराना बहुत ही आसान हो रही है, क्योंकि बड़े बड़े नाम यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। विराट कोहली बहुत बड़ा खिलाड़ी है, पूरी दुनिया की बड़े बड़े नाम उनके ऊपर स्टेटमेंट दे रही है। विराट कोहली क्यों नहीं खेल रही है, क्या परेशानी है, क्या हुआ है, क्या तकलीफ है, लेकिन अभी तक विराट कोहली की तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया। पहले का जो मामला था वो 2 टेस्ट मैच के लिए कहा गया था, लेकिन फिलहाल अब पूरा इंग्लैंड की सीरीज में ही विराट कोहली नजर नहीं आएंगे ऐसा लग रहा है। और बीसीसीआई ने यह कहा कि विराट कोहली ने उनसे यह कहा कि और वो नहीं खेल सकते, अगले 3 टेस्ट मैच वो नहीं खेल सकते। इतने बड़े बड़े नाम हमारे टीम में फिलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा टीम अभी भी मजबूत है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले 3 टेस्ट मैच हम जरूर जीतेंगे, और देशवासियों का दुआ हमारा साथ है। आईआर को ड्रॉप करवा दिया गया है, विराट कोहली बाहर है। कुछ भी हो, लेकिन एक बात यहाँ पर लोग जरूर सोच रही है, क्या विराट कोहली और बीसीसीआई के बीच कुछ अनबन हुई है? क्या ईशान किशन और बीसीसीआई के बीच कुछ अनबन हुई है? क्योंकि ये सब खिलाड़ी टीम से बाहर है और कोई कारण अभी तक नजर नहीं आया, कोई स्टेटमेंट ऑफिशियल अभी तक नहीं आया। पूरा भारत चिंतित है, क्या हुआ? विराट कोहली जैसा बल्लेबाज अगर बाहर रहते हैं तो हमें वैसे भी बहुत टेंशन होती है, और विराट ऐसा नहीं है कि उनकी फिटनेस ठीक नहीं है, विराट की जैसा फिटनेस किसी भी टीम की खिलाड़ी के पास इतनी उम्र में नहीं होती है। पिछला ही जो अफगानिस्तान के साथ हमारा T20 सीरीज हुआ था, वहां पर विराट कोहली ने क्या शानदार फील्डिंग करके दिखाया, ऐसा लग रहा था कि 16 साल की उम्र है विराट कोहली की। जो भी हो, क्या परेशानी है विराट कोहली के साथ, क्या प्रॉब्लम है विराट कोहली की, या फैमिली प्रॉब्लम है, या फिर और कोई वजह, जो भी है, हमारा उम्मीद ये है कि विराट कोहली जल्द ही हमारे टीम में लौट आए,
हमारा उम्मीद यह है कि विराट कोहली और शतक लगाए और हम पूरा मजा ले सके। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि विराट कोहली के साथ नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि भारत ने काफी सारे मैच खेला, वहां पर विराट कोहली को नहीं लिया गया। क्या वजह था, किसके लिए विराट कोहली को नहीं लिया गया? ये एक बात तो साफ है कि विराट कोहली की फिटनेस ठीक है, तो फिर क्या वजह? क्या विराट कोहली ने कहा था कि मैं नहीं खेलूंगा, या बीसीसीआई ने जानबूझकर उनको टीम से बाहर रखा? क्या गुस्सा है विराट कोहली बीसीसीआई से, या फिर कुछ और वजह? जो भी हो हमें मालूम नहीं है, और ये इंक्वायरी करने के लिए आप लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद।